नमस्कार, आपका नाम? श्रुति जैन। तो ये जो यहाँ पर आप लड्डू बना रही हैं, जिसे आप कह रही हैं कि ये लड्डू नहीं दवाई है। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं जो भी लड्डू बनाती हूँ वो मिठास के साथ आपके हेल्थ बेनिफिट को भी ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले इनमें जो ड्राई फ्रूट्स यूज होते हैं वो तो वैसे ही सभी जानते हैं कि वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और मैं जो बनाती हूँ लड्डू उनमें कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह का यूज़ नहीं होता है, शुगर का यूज़ नहीं होता है, और सभी में मेडिसिन ऐसी होती है, आज आयुर्वेद का टाइम है तो सभी आयुर्वेद से रिलेटेड मेडिसिन उसमें डली हुई होती हैं। मैं अलग अलग प्रकार के लड्डू बनाती हूँ, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो पेट के लिए फ़ायदा करते हैं, आँखों के लिए फ़ायदा करते हैं, आपके जॉइंट्स के लिए फ़ायदा करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे एजेड पर्सन है, उनके वो कुल्हे और हड्डियों में वो घुटनों में दर्द होता है तो उनको दूर करने में हेल्प करते हैं। जैसे मखाने के लड्डू हो गए, बादाम का लड्डू बनाती हूँ, वो तो मालूम है बादाम आपके लिए कि कितनी फ़ायदेमंद है, तो उसका लड्डू, और सौंठ ड्राई फ्रूट का लड्डू होता है, इसमें सौंठ, पीपर, पीपरामूल, कमरकस, मूसली, गोंद, ये मेडिसिन होती हैं। इनके अलावा काजू, पिस्ता, बादाम, चिरौंजी, तरबूज, मगज, मखाना, खसखस, ये सब हल्दी, ये सब चीज़ें जो होती हैं सभी आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। ये सिर्फ मिठाई नहीं है, मिठाई के साथ ही एक दवाई है जो कि बच्चों, बड़ों, सभी को फायदा करती है। आप सर्दी में एक महीने भी प्रॉपर तरीके से, ज़्यादा नहीं, आधा लड्डू भी खाएंगे कंटिन्यू, तो आप पूरी सर्दी ऐसी जाएगी आपको कि कोई ना तो हाथ पैर दर्द होंगे, ना ही तो सर्दी खांसी होगी, और आप फ्रेश बने हुए रहेंगे। तो जैसे आप लोगों के लिए बनाते हैं, देखिए जैसे कि आपको जॉइंट पेन है, सबसे बेसिक ठंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हड्डियों की होती है जो कि उभर के बाहर आती है, तो उस समय हमारे लड्डू खाने से आप उससे बच सकते हैं। जैसे अलसी होती है, और ये जो है आपके कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करती है, और खसखस होती है वो आँखों के लिए अच्छी होती है, गोंद होती है जो जॉइंट आपका कोई भी पेन हो, जॉइंट पेन उसमें फ़ायदा करती है, और इसी तरह से आप पूरी तरीके से हृष्ट पृष्ट बने रहे उसके लिए हम लड्डू बनाते हैं। आँखों के लिए मैंने बताया, जैसे कि आँखों में प्रॉब्लम है, मेंसेस की प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, और आफ्टर डिलीवरी जो प्रॉब्लम होती है पूरी बॉडी का, कहना चाहिए 265 अप्रोक्स हड्डियाँ टूटने जितना दर्द होता है एक लेडीज़ को जब कोई बच्चे को पैदा करती है, उसके बाद जो आपको हील करने में तेज़ी से हील करती है वो आपको, यानी कि आपकी गंदगी जो है बॉडी की वो हटाएगी और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगी। मेन दवाइयों वाले लड्डू क्यों बनाते हैं? देखिए, दवाइयों वालों का मतलब ये है कि आयुर्वेद जो है हिंदुस्तान से होगा था, आज हमारे किचन में आयुर्वेद का हर जगह महत्व, आप चाय में सौंठ डाल के अदरक डाल के पीते हैं, छोटी छोटी बातें। और आयुर्वेद को लेकर जो एक बूम आया है पूरी दुनिया में, उसकी उत्पत्ति तो भोपाल से ही हुई, सॉरी माफ करिएगा, भारत से हुई है। और आयुर्वेद के लड्डुओं का मतलब ये है कि लड्डुओं को शुरू से परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है, अब लोग बनाने वाले नहीं बचे, लोगों को ये नहीं पता इसमें क्या डलता है क्या नहीं डलता, लोग चाहते हैं कि उन्हें चीज़ मिले लेकिन कहाँ मिले, बनाने वाले सब खत्म हो गए हैं, गाँव खेड़ों से हम शहर में आ गए हैं, हम एडवांस हो गए, हमारे पास समय नहीं है। तब हमने आयुर्वेद को, जब कोरोना काल के बाद से जब आयुर्वेद की जो महत्वता निकली वो बहुत ज़्यादा निकल के आई, और हमने उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये लड्डू डिज़ाइन करे। इन लड्डुओं को लोग बहुत चाव से खाते हैं, जो मिठाइयाँ आज के डेट में आप बिल्कुल सिंपल मिठाई लेने जाएंगे 500-600 रुपये से नीचे कोई मिठाई नहीं है, और अगर आप अच्छी मिठाइयाँ लेने जाएँ तो आपकी जेब गवारा नहीं करती, 1200-1500 रुपये किलो तक की मिठाइयाँ हैं, लोगों को तकलीफ होती खाने में। तो इन लड्डुओं के साथ खास बात यह है कि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें सारा आयुर्वेद है, और साथ में हमारी मम्मी के प्रेम है जिनके नाम से हमने काम शुरू किया था, कल्पनाज रेसिपी लड्डू वाला। तो हम यहाँ पर 117 प्रकार की रेसिपीज हैं जिसमें से हम सिर्फ 20 ही इंट्रोड्यूस कर पाए। किसी भी आयुर्वेद, किसी भी समस्या का नाम लीजिए, हमारे पास लड्डू आपको उसके उपचार के लिए मिलेगा।
आपके पास किन किन उपचारों के लिए मतलब लड्डू मिल जाते हैं? बेसिक्स हमारे पास जैसे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए लड्डू हमारे पास मिलता है, हमारे पास बुजुर्गों के लिए लड्डू मिलता है जिनको हाथ पैर दर्द की प्रॉब्लम होती है, लेडीज के लिए मेंसेस की प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ापन होता है, कमर दर्द होता है, उसके लिए हमारे पास लड्डू है। छोटे बच्चे जिन्हें मेमोरी लॉस होता है, जिनकी मेमोरी बहुत शार्प नहीं होती, मैग्नीशियम होता है गुड़ के अंदर, तो हम वो उसको बढ़ाता है। आप नाम लीजिए, आप युवाओं में आजकल आँखों की बहुत समस्या हो रही है, लोगों को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से बॉडी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा लेती है। तो ये सारी दवाइयों में आप किसी भी चीज़ का नाम लीजिए, आज हम आयुर्वेदिक इलाज आपने सुना यूनानी इलाज क्या है, इन्हीं दवाइयों का हम उनको मीठा करके खिला रहे हैं आपको। आयुर्वेद का स्वाद मिठास के साथ ही कॉन्सेप्ट है हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।